हमारे किचन में सौंफ हमेशा पाई जाती है। जी हाँ, सौंफ को हम प्राकृतिक माउथ फ्रेशनर भी कहते हैं, जो कि मुंह की गंदगी को साफ करती है। दोस्तों, सौंफ एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है जो हमें वक्त रहते कई बीमारियों से बचा सकती है। हमारे सौंदर्य और सेहत के लिए सौंफ बहुत फायदेमंद होती है। यदि आप लंबी उम्र निरोगी काया के साथ जीना चाहते हैं तो सौंफ का सेवन करें। जी हाँ, आपको बता दें, सौंफ में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। आखिर किन बीमारियों से सौंफ हमें बचा सकती है, ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आँखों की कमजोरी को दूर करने के लिए आप बराबर मात्रा में सौंफ और मिश्री को लें और इसका चूर्ण बनाकर सुबह शाम 2 चम्मच पानी के साथ सेवन करें। आपकी आँखों की रोशनी बढ़ने लगेगी। खांसी होने पर आप 10 ग्राम अदरक लें और उसमें सौंफ और शहद को मिलाकर इसका नियमित सेवन करें। इससे खांसी दूर हो जाती है। यही नहीं दोस्तों, गले में खराश होने पर आप सौंफ को चबा चबा कर खाएं। खट्टी डकार अधिक आने पर सौंफ को गुनगुने पानी में डालकर पीना चाहिए। पेट दर्द होने पर आप भुनी हुई सौंफ को लें और इसका सेवन पानी के साथ करें। यही नहीं, जी मचलाने पर भी आप सौंफ का सेवन कर सकते हैं। चेहरे को साफ और चमकदार बनाना चाहते हैं तो नियमित सौंफ का सेवन करें, क्योंकि सौंफ हमारे खून को साफ करती है। बवासीर की समस्या होने पर आप सौंफ, जीरा और धनिया को बराबर मात्रा में पीस लें और इसका काढ़ा बनाकर 1 चम्मच देसी घी के साथ इसका सेवन करें। छोटे बच्चों की कमजोरी दूर होती है यदि आप सौंफ का उबला हुआ पानी गुनगुना करके बच्चों को पिलाते हैं। यदि बच्चों के दस्त ना रुक रहे हों तो उन्हें घी में भुनी हुई सौंफ को चीनी के साथ मिलाकर उसके चूर्ण को बच्चे को देना चाहिए। दोस्तों, इतनी फायदेमंद है सौंफ हमारी सेहत के लिए, इसीलिए सौंफ को आपको नियमित इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स हमें जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।